गाइस मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रेसल। अभी तो भाई आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है एंड स्मैकडाउन के चैनल पर वीडियो आ भी चुकी है रिव्यू वाली। एंड भाई WWE ने एक और वीडियो पोस्ट करी है कि स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ एंड क्या कुछ हुआ स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारे लोग जो भी चैनल पर नए हो तो भाई अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बात कर लेते हैं WWE ने क्या अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। तो भाई WWE ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट करी है वीडियो एंड उस वीडियो में हमको दिख रहा है स्मैकडाउन के ऑफ ईयर जाने के बाद क्या हुआ। तो हमको जो दिखता है वो ये दिखता है कि रोमन रिंग्स तो भाई अपना शॉक्ड में है एंड यहाँ पर से उसोस का म्यूजिक प्ले हो रहा है एंड वो रिंग में से जा रहे हैं अपना वो वी द वन वाला जेस्चर करते हुए। यहाँ पर से भाई रोमन उठने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उठ नहीं पा रहे एंड यहाँ पर से जो हमको देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है कि पॉल हेमन साइड में खड़े होकर के रो रहे हैं। रोमन भाई बिल्कुल भी अपने खड़े होने की हालत में हमको नहीं दिख रहे एंड सोलो सिकोवा तो आउट ऑफ द रिंग वो कहीं पर पड़े थे। एंड इनफैक्ट ये भी नहीं, हमको एक चीज चैंट्स में भी सुनाई दी एंड फैंस चैंट कर रहे हैं यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। हाँ गाइस रोमन रिंग्स को फैंस चैंट्स कर रहे हैं यू डिजर्व इट। तो भाई आज का जो स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ है फैंस ने तो उनके अच्छे से ले लिया रोमन रिंग्स की। पहले उनको जे उसो ने किक किया, फिर उनको जिमी उसो ने किक किया एंड फिर उनको फैंस भी भाई ऐसे ऐसे चैंट्स कर रहे हैं। तो रोमन रिंग्स के लिए थोड़ा बुरा लगता है एंड इसके बाद हमको देखने को मिलता है कि रोमन रिंग्स जैसे तैसे कर खड़े होते हैं एंड वो अपनी चैंपियनशिप को लेकर के जैसे तैसे करके चले जाते हैं। लेकिन जब वो रैंप पर चले जाते हैं, रैंप पर जाने के बाद हमको दिखता है कि रोमन रिंग्स बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे हैं एंड अभी आप सोच रहे होंगे पीछे मुड़कर वो पॉल हेमन को देख रहे हैं, तो नहीं गाइस रोमन रिंग्स पॉल हेमन को नहीं सोलो सिकोवा को बार बार देखते रहते हैं। एंड मे भी हो सकता है रोमन रिंग्स यहाँ पर से ये सोच रहे हो कि भाई जे और जिमी ने तो बिट्रे कर दिया, भाई तेरी बारी है बिट्रे करने की, तू मत बिट्रे कर दियो। लेकिन अब अगर एक और रिपोर्ट की बात कर लेते हैं हम, तो जैसे ही स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म होता है तो भाई अब एक रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है, वो ये आ रही है कि WWE ने सारी ही चीज़ों को पुश कर दिया एंड इनफैक्ट WWE हो सकता है नेक्स्ट वीक का जो स्मैकडाउन होने वाला है उसमें ही MITV के लिए टैग टीम मैच अनाउंस कर दे जो कि होगा रोमन रिंग्स एंड सोलो सिकोवा वर्सेस उसोस। बाकी आप लोग का इस चीज़ के ऊपर क्या कहना है आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।